पलामू में कोयल नदी के आसपास बसे लोगों ने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। ये लोग सालों से कोयल नदी पर तटबंध की मांग कर रहे हैं। तटबंध न होने से नदी हर साल सैकड़ों एकड़ जमीन उपजाऊ जमीन निकल जाती है। बार बार के भरोसे के बाद भी जब लोगों को तटबंध नहीं मिला तो उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली है। यहाँ सतवहिनी और बंजारी गांव के लोग इकट्ठा हैं। कभी ये लोग कोयल नदी पर तटबंध की मांग के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करते थे। आवेदन पर हस्ताक्षर आज भी कर रहे हैं, लेकिन मांग बदल गई है। अब ये लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। दरअसल इलाके की कोयल नदी ने इन किसानों के मुंह का निवाला छीन लिया है। हर साल ये नदी सैकड़ों एकड़ जमीन निगल जाती है। तटबंध की मांग पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और बर्बाद किसानों के पास जीने का सहारा नहीं बचा। कुछ नहीं, सब बह गया, सब डहा गया, सब डहा गया। धान तन सा रोपबो कैली, दो तीन बीघा जमीन रहे, एको कट्ठा जमीन नहीं बचा। आज तक जितने भी विधायक और सांसद हुए हैं, इस गांव को देखने वाला कोई नहीं। सरकार हम लोग के लिए तटबंध का उपाय करे, और नहीं तो पूरे ग्रामीण जनता सारे किसान जो है मरने के लिए तैयार है। हालांकि आश्वासनों की एक बार फिर झड़ी लग रही है। क्षेत्रीय विधायक और राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री का कहना है कि तटबंध बनाने का आदेश दिया जा चुका है। वो तटबंध पर भी हो रहा है, बनाया जाएगा। उसका ठेकेदार को कहा गया है कि उसको काम पूरा करे, गड़बड़ा गया है वो हमारे जमाने का नहीं था। लेकिन नदी को इन आश्वासनों से कोई मतलब नहीं होता। उसकी तबाही जारी है और किसान इन आश्वासनों से थक चुके हैं। अब या तो उन्हें इच्छा मृत्यु की मजबूरी चाहिए।